हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू विजन पॉइंट एन आई ओ एस आई एम अंजलि मालविया योर इंग्लिश एक्सपर्ट तो यस चिल्ड्रन आज हम करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर था टाइगर कम्स टू अ टाउन पार्ट टू तो उसके हम करेंगे आज क्वेश्चन आंसर्स ओके सो हमने चैप्टर देखा उसको आई होप आपको समझ में आया हो एंड इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो आई विल सी टू इट ठीक है चलो तो क्वेश्चन आंसर्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सो फर्स्ट है डू यू मीन टू से यू आर गोइंग इन एज यू आर विदाउट आर्म्स एंड प्रोटेक्शन दे आस्ट हिम यस दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू डू वी हैव नो टाइम टू वे सर येस तो हमने लेक्चर्स में जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि लोगों ने बोला था मास्टर से कि क्या आप ऐसे ही जाना चाहते हैं राइट हेड मास्टर के रूम के अंदर तो उन्होंने बोला था यस yes, मैं ऐसे ही जाना चाहता हूँ कोई टाइम वाइम नहीं मेरे वे पास वेस्ट करने को सो वेर डिड द अब कन्वर्सेशन टुक प्लेस ये जो कन्वर्सेशन है ये कहाँ पे uh, हुई थी सो द अब कन्वर्सेशन टुक प्लेस आउटसाइड द हेड मास्टर्स रूम राइट देन होम दे

सो दे टॉकिंग टू द टाइगर्स मास्टर ठीक है तो हेड मास्टर और मास्टर में कंफ्यूज नहीं होना टाइगर्स मास्टर का मतलब टाइगर का जो ट्रेनर है सर्कस में वाई डिड दे वॉन्ट टू नो इफ ही वॉज गोइंग अनआर्म्ड क्यों लोग जानना चाहते थे कि वो क्या बिना हथियार कोई लिए जाएगा बिना किसी प्रोटेक्शन के दे फेल दैट अ टाइगर वॉज फेरोस एनिमल एंड खुद अटैक मास्टर लोगों को लगा कि जो टाइगर है वो बहुत ही खतरनाक है और वो अटैक कर देगा हमला कर देगा मास्टर पे राइट दे कुड नॉट इमेजिन हिम फेसिंग अ टाइगर विदाउट एनी वेपन फॉर सेल्फ डिफेंस और बिना कोई हथियार के जाना टाइगर के सामने तो उन्हें लगा कि बहुत बेवकूफी वाला काम है बहुत खतरनाक काम है इनफैक्ट राइट नाउ वाई डू यू थिंक ही सेट वी हैव नो टाइम टू वेस्ट क्यों बोला कि हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने को सो द टाइगर हार्ड वॉक इन अप टाइगर जो था वो सो करके उठ चुका था एंड इफ ही वॉज केप्ट लॉक फोर लॉन्ग टाइम ही कुड गेट इरीटेटेड यस और अगर उसको हम लॉक करके रखते तो टाइगर बहुत ज्यादा इरीटेट हो जाता एंड इट वॉज नॉट गुड टू ट्राइज एनिमल्स पेशेंस यस और जो एनिमल जो जानवर की सब्र है उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए राइट ही कुड बिकम डेंजरस एंड हार्म द हेडमास्टर यस वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है और हेडमास्टर को भी हार्म कर सकता है सेकंड वन वेयर वाज द टाइगर ऑल द स्टाइन टाइगर कहाँ पे था तो वो रूम में ही था राइट तो टाइगर वाज इन द हेडमास्टर्स रूम एट दैट टाइम अगर आपने ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़ा है राइट लास्ट लेक्चर अटेंड किया है तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे आपको बट अगेन अगर आपने नहीं पढ़ा है वो चैप्टर हो तब आप इस पे आ गए हो तो इट टू बी डिफिकल्ट फॉर यू ओके सो मेक श्योर चैप्टर करके आओ सो क्वेश्चन नेक्स्ट है देड मास्टर वॉज ऑलरेडी नर्वस विच एक्शन टाइगर फर्दर एडेड टू हिस्स जो था है ना वो ऑलरेडी बहुत डरा हुआ था और टाइगर का ऐसा कौन सा एक्शन uh, था जिसकी वजह से वो और ज्यादा डर गया सो दैट द टाइगर हैज वोकन अप पुट हिज लेग्स ऑन द टेबल stretched himself एंड given आउट ग्रोल मेड made मास्टर मोर नर्वस यस जब टाइगर उठा तो अपनी उसकी बॉडी थोड़ा अंगड़ाइयाँ वंगड़ाइयाँ लिया थोड़ा सा यू uh, नो you know, थोड़ा सा गुर्राया और यही सब देख करके जो हेड मास्टर थे वो उनकी तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई राइट नाउ वॉट डिट द टाइगर वॉन्ट टू टेल द हेड मास्टर अब टाइगर हेड मास्टर से क्या कहना चाहता था घबराइए so yes, हार्म नहीं करेंगे आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे देन गिफ्टिव रीजन वाई पीपल आउटसाइड डिड नॉट अलाउ दी मास्टर टू गो इन दो रीजन दीजिए कि क्यों लोग जो थे बाहर उन्होंने अलाउ नहीं किया हेड मास्टर जो सॉरी uh, जो ट्रेनर था मास्टर वो अंदर जाने से उनको क्यों नहीं अलाउ किया क्यों रोका सो पीपल आउटसाइड डिड नॉट अलाउड मास्टर टू गो इन बिकॉज क्यों ही वॉज प्लानिंग टू गो विदाउट एनी आर्म्स फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन यस तो जो मास्टर uh, था वो बिना किसी हथियार के जा रहा था बिना कोई सेल्फ प्रोटेक्शन के इसीलिए लोग उसको रोक रहे थे दे व फियर द टाइगर को किल हिम उन्हें डर था कि टाइगर जो है वो उनको मार देगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मास्टर्स अटैम्प्टू गो इज टू गो इन आर कंपेयर टू जो मास्टर का तरीका था कि वो चाहता था कि यू you नो know, अंदर जाना uh, उस रूम के तो उसको किससे कंपेयर किया लाइफ से सुसाइड से डेथ या वॉर से तो वो उसने सुसाइड से किया राइट right? कि सुसाइड है जाना इस तरह से क्लियर है ना विच स्टेटमेंट मेड बाय द मास्टर कन्फ्यूज द चेयरमैन ऑफ द टाइगर कमिटी जो मास्टर ने ऐसा क्या बोला जिससे जो टाइगर कमेटी का चेयरमैन था वो कंफ्यूज हो गया सो द मास्टर्स स्टेटमेंट दैट ही न्यू हाउ टू टेम अ टाइगर एंड दैट आफ्टर ऑल इट वॉज ही हु वॉज रिस्किंग हिज लाइफ द कंफ्यूज चेयरमैन ऑफ द टाइगर कमेटी सो बेसिकली मास्टर ने बोला ना कि मैं यही uh, जो टाइगर है उसको काबू करना मुझे आता है मैंने अपनी पूरी लाइफ इसी में गुजारी है तो बेसिकली मैंने पूरी लाइफ ही रिस्क लिया है तो चेयरमैन था बहुत कंफ्यूज हो गए थे सो ही हाउ सेंसिबल पर्सन रिस्क हिज लाइफ वो सोच रहे थे कि कैसे इतना समझदार इंसान अपनी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है राइट एट वन कि वैन द चेयरमैन आज मास्टर टू साइन एन एफिडेविट बिफोर ही वॉज अलाउड टू एंटर द रूम ही वॉज ट्राइंग टू पुट अ कंडीशन ऑन हिज एंट्री यस तो चेयरमैन जो थे उन्होंने जब बोला कि मास्टर को कि आप एफिडेविट साइन कीजिए सो उसमें क्या कंडीशन उसने लिखी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट इंटरप्रिट्स द कंडीशन सो दैट द मास्टर शैल नॉट टेक द टाइगर अवे क्या ये लिखा था कि जो मास्टर है वो टाइगर को लेके नहीं जा सकता या फिर दैट ही मस्ट पे एन एंट्री फीस क्या वो उसको एंट्री फीस के लिए कह रहा था या दैट एवरी वन आउटसाइड वुड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इस एक्शन या ये बोला कि जो भी यू नो बाहर है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोग शेयर करेंगे या फिर दैट ही वुड नॉट होल्ड एनी बॉडी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉट एवर हैपन टू हिम यस या तो ये लिखा था कि किसी और की जिम्मेदारी नहीं होती है कि अगर मास्टर को कुछ हो जाता है तो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ओके आई होप दिस इज क्लियर टू यू आगे बढ़ते हैं अगेन ये कुछ और क्वेश्चन है ऑल राइट गिव मी अ पीस ऑफ पेपर एंड टेल मी वॉट टू राइट ये मास्टर ने बोला था राइट right? तो ये लिखा है कि हु स्पीक द अबब लाइन सो इट्स द मास्टर राइट कि ठीक है मुझे एक पीस ऑफ पेपर दीजिए मैं लिखता हूँ क्या जो आप बोलोगे लिखूंगा सो हु इज और शी इज टॉकिंग तो हेड मास्टर किससे बात कर रहे थे ये जो चेयरपर्सन थे राइट टाइगर कमेटी के फिर वाई डज ही आस फॉर अ पीस ऑफ पेपर क्यों क्योंकि उन्हें पीस uh, एक एफिडेफिट साइन करना था राइट right? ताकि यू uh, नो you know, वो अंदर जाके टाइगर को निकाल सकें सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ Why wasn't the master happy to write the affidavit? अब क्यों जो master है वो खुश नहीं था affidavit लिख करके So he was unhappy to write the affidavit because he was sure कु ड्रिंक आउट द टाइगर विदाउट कॉजिंग एनी हार्मी वन क्योंकि मास्टर को पता था कि वो टाइगर को बाहर निकाल सकता है बिना हार्म किसी को पहुंचाए ही रोटेड बिकॉज नो वन बिलीव्ड हिम उसने लिखा क्योंकि कोई उस पर बिलीव ही नहीं कर रहा था थर्ड है इन वॉट लैंग्वेज डिड द मास्टर राइट दिट वाई डिड ही डू सो अब देखो यहां पर दो क्वेश्चन बनता है कि कौन सी लैंग्वेज और क्यों ऐसा तो लैंग्वेज क्या थी संस्कृत थी मास्टर ने संस्कृत में लिखा था ना अपना जो लेटर और क्यों लिखा था सो ही रोट द एफिडेफिट इन संस्कृत ही डिट सो बिकॉज संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्ट हमारे जो सारे वेद पुराण ये सारे संस्कृत में लिखे हैं ये जो भाषा है ये भगवान की भाषा है इट इज also considered एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज

सो इफ दे कुड नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज हाउ कुडरस्टैंड द टाइगर नेचर येस तो ट्रेनर को ये भी उसने कहा कि बेसिकली इसलिए भी कहा क्योंकि वो चाहता था वो लोग समझें कि जब ये आप संस्कृत जो एक ह्यूमन बींग की लैंग्वेज है आप यही नहीं समझते हो तो आप टाइगर का नेचर कैसे समझोगे समझ रहे हो नाउ फोर्थ वाई वॉज इन द मजिस्ट्रेट हैपी टू सी दी एफिड एफिट वाई ही वाई डिट ही फाइनली एक्सेप्टेड इट सो so मजिस्ट्रेट क्यों खुश नहीं थे एफिडेफिट को देख के और क्यों उन्होंने बाद में एक्सेप्ट कर लिया सो मजिस्ट्रेट वॉज नॉट हैप्पी टू सी द एफिडेफिट बिकॉज इट वॉज रिटन इन संस्कृत क्योंकि संस्कृत में लिखा हुआ था एंड विच ही कुड नॉट रीड वो पढ़ नहीं पा रहे थे सो ही वॉज अनएबल टू मेक आउट वॉट वॉज रिटन तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा था क्या लिखा गया है अंदर ही फाइनली एक्सेप्टेड इट बिकॉज उसने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि संस्कृत इज़ वॉन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया क्योंकि अगर संस्कृत को देखें तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे इंडिया की एंड बींग अ गवर्नमेंट ऑफिसर ही कुड नॉट हैव एनी रफ्यूज इन और उनके पास क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे और ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे देश की तो उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ा सो so नाउ अब ये क्या है ये uh, है राइट वास्टर गेव द टाइगर बाहर निकलने के पहले जो मास्टर है उन्होंने क्या एडवाइस दी सो राइट ऑप्शन इज ओवर तो यू हैव टू चूज ग्रॉल एंड मेक नॉइज टू शो योर एंगर क्या उसने बोला कि गुर्राओ और यू uh, नो you know, शोर मचाओ अपने गुस्सा दिखाने के लिए या फिर उसने बोला चेज द टीचर एंड द चिल्ड्रेन टू क्रिएट अ सेंसेशन या उन्होंने बोला टीचर और जो बच्चे हैं वहां उनके पीछे भागने लगो या उन्होंने बोला स्टेयर हार्ड एड मजिस्ट्रेट घूरो मजिस्ट्रेट को या फिर उसने बोला डोंट लुक एट ह्यूमन बींग इफ यू वॉन्ट पीस ऑफ माइंड अगर तुम्हें मन की शांति चाहिए तो उनको देखो ही मत तो राइट ऑप्शन इज डी राइट उसने बोला कि मत देखो किसी की तरफ चलो चुपचाप चलते हैं हम अपनी दुनिया में राइट है। हैं, चलो इन्हें तो ये बच्चे ब्लैंक्स है, है और ये आपको ऑप्शन दिया है ये सारे वर्ड है जो आपको इसमें भरने हैं ठीक ए टू एफ आपको इसमें भरना है क्लियर है सो अ गुड टीम लीडर इज वन हु वर्क अलॉन्ग विद एंड इज नॉट डैश टू अदर्स तो जो एक अच्छा टीम लीडर होता है ठीक तो वो जो अपना काम है वो अपनी टीम के साथ करता है एंड वो नहीं करता डैश ऑन अदर्स तो वो क्या नहीं करता एक्सरसाइज अननेसेसरी अथॉरिटी ऑन अदर्स ठीक है तो ये वाला किस में हो जाएगा ए क्लियर है वो अननेसेसरी अपना हुक्म नहीं जताता ठीक है कि हम लीडर हैं तो यू uh, नो you know, हम अपना हुक्म चलाएंगे जो हम चाहेंगे वही होगा ऐसा नहीं है फिर देर वॉज प्लेंटी ऑफ एविडेंस एंड सैरल आई विटनेस रिपोर्ट इन द स्पॉट अदर्स द कोर्ट फाइनली डैश द ब्लेम ऑफ द एक्सीडेंट अब देखो इसमें क्या है ये सेंटेंस क्या बोलता है कि वहाँ पे प्लेंटी बहुत सारे एविडेंस थे ठीक है ऐसे सबूत थे आई विटनेस भी थे ठीक है देखे भी थे लोगों ने और उसी के हिसाब से एक रिपोर्ट तैयार की थी और जो कोर्ट है उन्होंने फाइनली डैश उसको फाइनली डैश ऑफ अम ब्लेम का मतलब जो उसको एक्सीडेंट का ब्लेम लगा था चार्जेस लगे थे उससे उसको फाइनली डैश तो राइट वर्ड क्या होगा अपसॉल्व ठीक है अपसॉल्व का मतलब कि उसको बरी कर दिया फाइनली उस केस से क्लियर है नाउ सी क्या है द डॉग डैश at every passenger by the dog dash growled ठीक है थोड़ा सा वो गुर्राता है जो हमारा डॉग है जो भी उसके आसपास गुजरता है क्लियर है सो गेट आउट ऑफ माय ऑफिस यू स्क्राम तो किसी ने बोला गेट आउट ऑफ माय ऑफिस मेरे ऑफिस से निकल जाओ डैश द ऑफिसर व्हेन ही केम टू नो दैट हिज मोस्ट ट्रस्टेड ऑफिसर हैज मी डैश जब उस ऑफिसर को पता चला कि उसका जो सबसे ट्रस्टेड यू नो ऑफिसर है उसने उसको चीट किया उसने उसको धोखा दिया राइट सो डी वन विल बी ब्लास्टर्ड, क्लियर है नाउ ई है इफ़ यू वॉन्ट टू लूज वेट डोंट लूज योर डैश बट स्टार्ट एक्सरसाइजिंग डेली यस अगर आप चाहते हो कि आप अपना वजन कम करो तो अपना डैश मत लूज करो बट हमेशा शुरू डेली शुरू करो एक्सरसाइज करना योग करना है सो डू नॉट लूज योर पीस ऑफ माइंड यस अपने मन की शांति जो है उसको मत खो शांत मन से शुरुआत करो एक्सरसाइज करने की क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होने वाला राइट right?

जब उसने अपना हाथ इस तरह से स्ट्रेच किया राइट right? बढ़ाया क्लियर है सो so, ये हमने कुछ नए वर्ड सीखे सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसका ग्रामर पोर्शन ओके एंड इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर और यू कैन ऑल्सो विजिट दी वेबसाइट ओके थैंक यू